आज जिनके हम मेकअप करें हमारी मॉडल के, देखें कितने फेस पे जो है वो एक्नी है, और ये एक्नी इसलिए हो गई कि जैसे इनका इंटरनल इशू भी है और मेकअप करने से भी स्किन ख़राब हो जाती है। तो आज जो मैं आपको मेकअप करके दिखा रही हूँ वो एक्नी स्किन के ऊपर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो है हम इनकी स्किन को प्रैप एंड प्राइम करेंगे। सबसे पहले आपको एक बेबी वाइप लेना है, उसके बाद जो है एक क्लिंजर लेना है, ठीक है। ये मेकअप रिमूवर है, ये ले रहे हैं ताकि इनकी स्किन पे जितना भी डर्ट है वो या कोई मेकअप है तो वो हट जाए। क्योंकि इनकी ऑयली स्किन भी है और एक्नी भी हो रहा है तो ओपन पोर्स भी हैं, तो जब हम इसको क्लीन करेंगे तो ये अच्छी तरह से पोर्स के अंदर से सारा पैन निकलेगा। ये देखिए नज़र आ रहा है, ये देखें। अब जो है ये देखें इनका, हमने साफ किया तो ये देखें कितना इनके स्किन से ये सब निकला। अब क्योंकि इनके पोर्स हैं तो पोर्स को क्लोज करने के लिए, बहुत तो क्लोज नहीं होते लेकिन 50-60% जो है वो कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, तो इसके लिए हम ले रहे हैं बेनिफिट का दी पोर प्रोफेशनल, ठीक है। ये इस तरह से अमाउंट लेके और स्किन में नीचे से अंदर की तरफ इसके हम डालेंगे और छोड़ देंगे। इसके बाद हम इतनी देर में हम इनकी आइज बनाएंगे, तो प्राइमर जो है वो इनके पोर्स में बैठ जाए। सो पहले ये होता था कि जब स्टिक यूज़ की जाती थी तो लोग पोर्स के अंदर स्टिक फिल कर देते थे, लेकिन वो ये कि ऑयली स्किन अगर है और आप बहुत स्टिक भर देंगे तो एक तो ये कि बाद में इनको बहुत नुकसान देगा, दूसरा ये कि वो बेस बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छी क्वालिटी के प्राइमर्स जो होते हैं, पोर प्राइमर्स, वो यूज़ करें। अच्छा, अब हमने पहले इनका जो है वो स्किन को क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद हमने इनका प्राइमर लगा के छोड़ दिया है ताकि जब हम बेस पर आए तो इनका प्राइमर इनकी स्किन में अच्छी तरह सेट हो। अब सबसे पहले हम इनकी आईज जो है वो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनकी जो है ये ऑयली स्किन है, एक्नी स्किन है, तो मैं स्टिक यूज़ नहीं कर रही। ये डर्मा का शेड है 19 बोले बेटा, क्योंकि इनको ज़रा लाइट ऑफ कर, हमने लगाया है डर्मा 19। आप ओरिएंटल भी यूज़ कर सकते हैं, 508 की स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑयली स्किन है और हम चाहते हैं कि बेस बहुत देर स्टे करे तो हम डर्मा यूज़ करें। और इनकी पिगमेंटेशन देखें, बैग्स बने हुए, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं इनकी, तो पहले हम उसको बस हल्का हल्का कवर कर रहे हैं इससे। अब हम इनके लिए ले रहे हैं मुसर्रत मिसबा का आइवरी शेड और काशीज़ का प्योर पोर्सलिन नंबर 04। ये पिंक टोन है और ये नेचुरल टोन है, तो हम इनका मिक्स करके बनाएंगे ताकि लाइट पिंक सी टोन बने इनके। और ये वाटर प्रूफ है और ये भी बहुत अच्छा है, समर फ्रेंडली है, और काशीज़ तो है ही वाटर प्रूफ। अच्छा, अब मुझे जो अपना फाउंडेशन जो है वो थोड़ा फेयर करना है, तो आप काशीज़ का वाइट करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अलमास्ता का है, ये बहुत अच्छा है, तो मुझे सबसे अच्छा मेरे फेवरेट जो है वो लमास का ये बेस, तो ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करके इनका बेस थोड़ा सा फेयर करूँगा, क्योंकि काशीज़ भी ऑक्सीडाइज होता है और मुसर्रत मिसबा भी ऑक्सीडाइज होता है, तो हमें थोड़ा बेस तो देना है जो बाद में ताकि भी नेचुरल लुक दे। ये दो तीन शेड मिक्स करके इनका बेस बनाया है, तो हमें नेक पे भी सेम ही बेस लगाना होगा क्योंकि स्टिक में ये शेड नहीं होगा। और क्वांटिटी इतनी बना लें अपने पास कि अगर मज़ीद ज़रूरत हो तो ये नहीं कि आप दोबारा शेड बनाएं, क्योंकि फिर वो सेम शेड बनेगा। चाहिए अभी जितना ज़्यादा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, बिल्कुल नेचुरल बेस हो जाएगा। अच्छा, अब हम ब्यूटी ब्लेंडर से जो है वो अच्छी तरह से डैब डैब मोशन में जो है ये लगाएंगे, ठीक है। इस तरह स्लिप नहीं करना,
वरना सारा ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो आपका फाउंडेशन से भर जाएगा। अब आप देखते जाइएगा जैसे जैसे ये लगता जाएगा ये स्किन में पेनेट्रेट करता जाएगा और इनकी स्किन से थोड़ा ही फेयर लगेगा, इतना वाइट नहीं होगा कि ऐसे लगे कि आटे के डब्बे से निकले। अब हम इसको उसी ब्यूटी ब्लेंडर से जिससे हमने बेस लगाया इसको हम टॉप कर, और आप देख सकते हैं कि बेस किस तरह नेचुरल होता जा रहा है, पहले कितना वाइट लग रहा था और अब कितना नेचुरल हो गया। अच्छा देखें जैसे इनके यहाँ बैग बना हुआ है तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा वाइट करेक्टर और ये फेयर टोन का मेरा टार्ट शेप का कंसीलर है, लेकिन मैंने मज़ीद हल्का सा फेयर किया ताकि ये जो बैग और ये लाइन नज़र आ रही है आपको नज़र आ रही होगी, दिखा देते थोड़ा सा सामने ये चीज़, इसको हमें इनका कवर करना है तो यहाँ पर आपको सही से कंसीलर लगाना होगा। जितना अच्छा कंसीलर लगाएंगे उतना अच्छा इनका जो है वो आई चलेगा। जब हम बेस लगाते हैं तो ये छोड़ो बेटा ज़रा ये देखें यहाँ इतना हमें नज़र नहीं आ रहा था, ज़बान रखें अब ये देखें इस तरह रख कर और फिर फाउंडेशन लगाएं और ये भी जो लाइन होती है इसको बहुत अच्छी तरह से जितना हो सके टैप करें ताकि बाद में ये क्रैक ना। जब हम काशीज का पिंक कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं 09 क्योंकि हमें बेस जो है वो पिंक रखना है, 09 हमने यूज़ किया है। अच्छा अभी हो सकता है वीडियो में बहुत पिंक लगे लेकिन ये बहुत पिंक नहीं होगा, नेचुरल पिंक आएगा वो तो कट हो जाएगा। छोटी छोटी बेस और आइस में टाइम लगता है, बस वो होता है नहीं, वो बस टाइम कंफर्म कर रहे थे कि कितने बजे तक हो सकते थे। अब हम जो है एक ब्रश से पाउडर ब्रश से अच्छी तरह इस तरह सर्कल मूवमेंट में इनका जो हमने पाउडर लगाया है उसको ब्लेंड करेंगे, जो एक्सेस होगा वो खुद ब खुद डस्ट आउट हो जाएगा। जब हम कलर एक्सप्रेस की कंटूरिंग किट ले रहे हैं जो जॉ लाइन है उस पर हम बहुत लाइटर टोन दे रहे हैं क्योंकि उनका फेस कोई बहुत हैवी नहीं है, फिर हम यहाँ से कान टेम्पल और कान के सेंटर या फिर निकल उठो क्लाइंट को आप यूँ करवा लें और इस तरह बस ऊपर ऊपर करना है हमें। टेम्पल और कान के सेंटर से आप इस तरह करवाएंगे, ये देखिए शेप नज़र आ रही है इससे ऊपर, फेस पतला ही है तो हम हल्का हल्का बस बैक पे ही देंगे। उसके बाद ये बालों और फॉरहेड के यहाँ पर बिल्कुल लाइटर से नोज को हमेशा यहाँ से थोड़ा सा वी शेप, बहुत लाइट सा लगाएंगे, हल्का सा लगाना है। पहले ये होता था कि यहाँ तक लगता था, अब इस तरह नहीं करते, सिंपल यहाँ हल्का सा आप पे लगाना है, आप चाहें तो फिंगर से भी लगा लें इस तरह करके हल्का सा सर्कल मूवमेंट में फिंगर से ब्लेंड कर, बहुत तेज़ नहीं लगाना बुरा लगेगा। अब हम एक ब्रश से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करें, हम ले रहे हैं नताशा डेनोना की डायमंड एंड ब्लश पैलेट और इसमें से हम थोड़ा सा ये पीच और पिंक मिक्स करके आप काशिश की पैलेट यूज़ कर लें किसी भी यूज़ कर लें वो तो आपके अपनी मर्जी। हल्का ही लगा रहे इसी में इनका हाइलाइटर भी है, हाइलाइटर लगाने से पहले आप हल्का सा हम फिक्सिंग स्प्रे करेंगे। फिक्सिंग स्प्रे जो है हमारा ऑल नाइट अर्बन डिके का है, ये लगाकर हम इनके हाइलाइटर करेंगे। चलो
स्माइल करें, 600 का स्प्रे करने के बाद हम इनके हाइलाइटर यूज़ करेंगे। क्योंकि इनके पोर्स हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हमें नॉर्मल लगाना है।